नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल सिंह चौहान। और दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये रोड कंपनी का वीडियो माइक्रो जो कि माइक है, इसकी हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। कुछ ये इस तरीके से कंपनी से डिब्बे में आता है। हालांकि मैंने इसको पहले ही इसके साथ चीड़फाड़ इसकी कर दी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या दोस्तों आता है। तो दोस्तों वैसे कि ये जो है ब्लॉगर के लिए है और ब्लॉगिंग करने के लिए ये बहुत ही अच्छा माइक है, पर लेकिन आज हम वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से ये वर्क करता है और कितनी इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि रोड कंपनी का है वीडियो माइक्रो कंपैक्ट कैमरा माइक्रोफोन, दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और कुछ डिब्बे में 2 साल की देखिए आपको यहाँ पे वारंटी मेंशन की गई है। माइक है वो कुछ इस तरीके का आपका माइक है। माइक कैरियर दिया गया है जो कि माइक को कैरी करने के लिए कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा और बैटरी की इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो दोस्तों चलिए डिब्बे को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। तो दोस्तों ये जो है ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ है। दोस्तों आगे वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा वीडियो ना बड़ा करते हुए। तो दोस्तों चलिए दोस्तों करते हैं इसका डिब्बा खोल। तो दोस्तों डिब्बे में कुछ इस तरीके के आइटम आपको मिले हैं। सबसे पहले आपको एक यूजर गाइड मिलेगी और आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं और पढ़ना ज़रूरी भी होता है। बहुत लोग बोलते हैं ये किसी काम की नहीं है, पर मेरा मानना है कि हर चीज़ काम की होती है। इसको पढ़ सकते हैं और इसमें सब कुछ गाइड दिया गया है कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें। फिर आपको दोस्तों एक वारंटी कार्ड मिलेगा देखने के लिए, आप इसको ऑनलाइन इसको नंबर से जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फिर दोस्तों एक आपको इसमें अपने DSLR के कनेक्ट करने के लिए लीड मिलेगी। दोस्तों इस लीड के बारे में हम बाद में आपसे बात करेंगे। आपका माइक कुछ इस तरीके से देखने में आपको मिलेगा और मेटल का है और आगे यहाँ पर स्टील की जाली लगी हुई है इसमें, और ये पीछे जो है इस लीड को लगाने के लिए सॉकेट है। ये इसका माउंट है, माइक माउंट जो है आप देख सकते हैं कि माउंट ये किस तरीके से फ्लेक्सिबल है और ये टूटेगा भी नहीं और काफ़ी अच्छा माउंट है। आगे इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। विंडशील आपको देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी जो कि आपके बैकग्राउंड नॉइज़ को काफ़ी हद तक कम कर देगी। आप कहीं रोड वगैरह में कोई भी वीडियो शूट करते हैं तो काफ़ी शोर शराबा होता है, तो कुछ हद तक ये उसको कम कर देगा। कम मेरा मानना है कुछ हद तक कम करेगा, पूरा ही नहीं ख़त्म करेगा दोस्तों। और आपकी वॉइस की क्वालिटी को काफ़ी अच्छा ये कर देगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो चीज़ें हमें किसी भी वीडियो में दूसरे वीडियो में बताई नहीं जाती हैं, तो दोस्तों आज हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। आप जितना अभी आपने इस डिब्बे को कंपनी से मंगाया है ये सिर्फ आपके DSLR से ही इस माइक को कनेक्ट कर सकता है और आपके मोबाइल को ये कनेक्ट अभी नहीं कर सकता। ये TRS लीड है, ये माइक दोस्तों ये माइक जो है इस लीड से आपके सिर्फ DSLR से ही कनेक्ट हो सकता है क्योंकि ये TRS लीड है। और अगर हमें अपने मोबाइल से इस माइक को कनेक्ट करना है तो TRS एक सॉकेट जो है TRS होना चाहिए और दूसरा सॉकेट जो है TRRS ये होना चाहिए, तभी आपके स्मार्टफोन से ये माइक को कनेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि बैटरी की इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट बैटरी के चलता है। तो जैसा कि बता दिया मैंने ये अपने आपको DSLR से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आगे की कि इसको किस तरीके से मोबाइल से हम कनेक्ट करें। तो दोस्तों मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए मैंने फिर ऑनलाइन दोबारा रोड कंपनी का एक लीड जो है परचेज़ किया है। ऑनलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और इन सभी चीज़ों के लिंक आपको मिल जाएंगे। आइए बात करते हैं इस रोड कंपनी के माइक को किस तरीके से अपने मोबाइल में स्मार्टफोन में कनेक्ट करें। तो दोस्तों देखिए मैंने ये ऑनलाइन मंगाया है, तो दोस्तों कुछ देखिए इस तरीके से ये निकला है। रोड का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, रोड कंपनी की आपको देखने में दिख रहा होगा, रोड कंपनी का ये भी है और ये भी दोनों लीडें रोड कंपनी की हैं। ये जो है आपके माइक के साथ में ही जब आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको ये मिलेगी और ये मैंने बाद में परचेज़ की। आप चाहें तो मार्केट से 150-100 रुपये में ख़रीद सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ख़रीदा कि कंपनी की चीज़ जो है अगर इसके साथ कनेक्ट होगी तो हमारी वॉइस और अच्छी आएगी और फिर लोकल तो लोकल ही होती है, 2-3 बार आपने निकाला और वो ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम पहले इन दोनों लीडों में बात कर लेते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि ये TRS है और इसके दोनों सॉकेट जो है TRS हैं और इसमें एक TRS सॉकेट है ये वाला और ये
ये सॉकेट है TRRS, ये वाला आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 खाने हैं इस लीड में, आपको 4 खाने दिख रहे होंगे और दूसरी साइड आपको 1, 2, 3 दिख रहे होंगे। और जो इसके माइक के साथ में आई है इसमें 3-3 दोनों तरफ हैं, इसलिए आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट नहीं कर पाती है। तो दोस्तों आपको अगर अपने DSLR से चलाना है तो आपके साथ जो आ रही है आपको वही यूज कर सकते हैं, और अगर मोबाइल से कनेक्ट करना है तो आपको एक इस तरीके की TRS2 TRRS आपको लीड मंगवानी पड़ेगी। तो देखिए कुछ माइक इस तरीके से इसमें इस तरीके से लग जाता है देखिए, और ये स्टैंड जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट हो जाता है, आप चाहें तो यहाँ से डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक खांचा जैसा बना है, उस खांचे में ये जो फिट हो जाता है, देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके का हो गया है। और जैसे कि TRS वाली लीड इस तरफ लगेगी और TRRS वाली ये लीड आपके मोबाइल पे लगेगी। तो ये माइक आपके माउंट पे इस्तेमाल करते हैं, और ये इसका भी वीडियो जो है थोड़े दिन में पहले बनाया है, आपको आई बटन में इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको भी परचेज कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। तो दोस्तों आपका कुछ मोबाइल इसमें इस तरीके से यहाँ पर लग जाता है देखिए, और काफ़ी अच्छा और मजबूती से लगता है। और ये यूलानजी का ट्राईपोर्ट है, आई बटन में इसका लिंक आ रहा होगा, आप चाहें तो जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आपके माइक में कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक सॉकेट आता है, और इस माउंट में भी इस तरीके का सॉकेट होता है, ये यहाँ पर लगाकर और इसको इस तरीके से कस दिया जाता है, ये देखिए इस तरीके से कस दिया जाता है, और ये देखिए लग गया है। और इस लीड को आप जो है यहाँ पर आप अपने मोबाइल सॉकेट में लगा दीजिए माइक वाले में, और देखिए कुछ दोस्तों आपको दिख रहा होगा कुछ आपके इस तरीके से ये माउंट हो गया है, और आप अच्छी खासी इससे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। दोस्तों जिस माइक से मैं अभी बोल रहा हूँ ये JBL का M20B माइक है, और इसकी लीड की लेंथ जो है 6 मीटर है। तो दोस्तों इसको मैं इसलिए ब्लॉगिंग में इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इसकी लीड काफ़ी लंबी है, फिर वो लटकती रहती है, इसलिए इस माइक को मैंने जो है रोड कंपनी के माइक को ख़रीदा है, और ब्लॉगिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको ख़रीद सकते हैं क्योंकि इसमें ना ही आपको कोई कॉलर माइक मिलेगा ना ही कुछ, और ये 1 मीटर से आपकी अच्छी खासी वॉइस को डिटेक्ट करेगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपका साउंड आएगा। तो दोस्तों मैंने सब कुछ पूरा आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको इस रोड कंपनी के माइक को अपने मोबाइल में इस्तेमाल करना है। अगर फिर भी दोस्तों आपका कोई सवाल रह गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, धन्यवाद।